नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। आज देश का आम बजट पेश किया जा रहा है। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश कर रही हैं। दरअसल बजट में पिछले 3 सालों में काफी बदलाव देखने को मिला है और आजाद भारत के बाद से ये बजट काफी बदल चुका है। दिलचस्प बात यह है कि आम बजट ने ब्रीफकेस से लेकर बही खाते तक और फिर डिजिटल रूप से लेकर टैबलेट तक का सफर पूरा किया है। इस बार भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैबलेट के जरिए बजट पेश किया है। दरअसल साल 2018 तक वित्त मंत्री बजट की अपनी कॉपी एक ब्रीफकेस में लेकर संसद पहुंचते थे। 1947 में देश का पहला बजट भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शानमुखम चेट्टी ने चमड़े के पोर्टफोलियो बैग में कैरी किया था। उसके बाद 1970 के आसपास इसकी जगह एक हार्ड बाउंड बैग ने ले ली, जिसका रंग वक्त वक्त पर बदलता रहा। लेकिन 2019 में अपना पहला बजट पेश करने के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये परंपरा बदल दी। वो उस साल का बजट बही खाते में लेकर पहुंची। बजट की उनकी प्रति पारंपरिक तौर पर इस्तेमाल होने वाले लाल रंग के बही खाते में लिपटी हुई थी। उनके इस कदम की खूब चर्चा हुई थी। इसके साथ ही सरकार का संदेश था कि वो ब्रीफकेस के औपनिवेशिक व्यवहार को त्याग कर स्वदेशी बही खाते की परंपरा शुरू कर रही है। दरअसल ब्रीफकेस लाने का चलन ब्रिटिश वित्त मंत्रियों के बजट पेश करने के दौरान लेने वाले ग्लैडस्टोन बॉक्स जैसा था, जबकि देश में बड़े छोटे व्यापारियों के बीच सदियों से बही खाता इस्तेमाल करने की परंपरा रही है। वहीं 2020 में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बही खाते में ही बजट पेश किया था, लेकिन 2021 में बजट को नए रूप में पेश किया गया। देश कोविड-19 की पहली लहर से गुजर चुका था और संक्रमण के मामले सामने आने जारी थे। ऐसे में कोविड-19 प्रोटोकॉल और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, साथ ही पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान को एक पुश देते हुए वित्त मंत्री ने अपना बजट टैबलेट में पेश किया। बताया गया कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का संदेश देने के लिए मेड इन इंडिया टैबलेट के जरिए बजट पेश किया था। पिछले साल सरकार ने पहली बार बजट से जुड़ा ऐप यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इससे सांसदों, नेताओं के साथ साथ आम जनता के लिए भी बजट के दस्तावेजों तक पहुंच आसान हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार भी डिजिटल बजट ही पेश कर रही हैं। डिजिटल बजट में सरकार बस एक ही टैबलेट में अपनी कॉपी रखती है और सांसदों को भी बजट की कॉपी जारी नहीं की जाती, उनको भी डिजिटली ही एक्सेस करना होता है। बजट का ऐप भी है जहां कोई भी बजट सत्र देख सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।